ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2018 बैच के आईएएस प्रोफेशनल अभिषेक वर्मा ने तहसीलदार नूरपुर का पदभार संभाल लिया है। वह मूलतः मंडी जिला के सुंदरनगर के निवासी हैं तथा यूपीएससी से सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने पर उन्हें हिमाचल कैडर मिला है। 2018 बैच के आईएएस प्रोफेशनल अभिषेक वर्मा ने तहसीलदार नूरपुर का पदभार संभाल लिया है। मूलतः मंडी जिला के सुंदरनगर के निवासी हैं तथा यूपीएससी से सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने पर उन्हें हिमाचल कैडर मिला है। नूरपुर में अपना पदभार ग्रहण करने पर उन्होंने बताया कि यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपना गृह प्रदेश मिलने पर वे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें अपने प्रदेश के साथ साथ सबसे बड़े जिला कांगड़ा में वे अपने प्रोफेशनल पीरियड के दौरान कार्य करने का अवसर मिला है। उन्होंने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता तथा अपनी बहन को दिया। उनकी बहन तथा जीजा भी यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कर्नाटक में तैनात हैं, जबकि उनके पिता भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। वर्मा ने कहा कि उनकी 10वीं तक की पढ़ाई शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से हुई है, जबकि उनकी अगली पढ़ाई दिल्ली से पूरी की है। वे कंप्यूटर साइंस में बीटेक हैं। इससे पहले भी उनका चयन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हुआ था, जिसके दौरान वे कुछ समय तक शिमला में तैनात रहे, परंतु उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा तथा उन्हें वर्ष 2018 में यूपीएससी से सिविल सर्विस की मेन परीक्षा में कामयाबी हासिल हुई। तहसीलदार का पद संभालने से पहले वे अपनी प्रोफेशनल अवधि के दौरान जिला के अन्य उपमंडलों में भी विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक व राजस्व संबंधी मामलों का समय पर शीघ्र निपटारा उनकी उच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त आम नागरिकों की समस्याओं के बिना किसी कठिनाई के त्वरित निपटारे एवं स्थायी समाधान के पूर्ण प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के निपटारे हेतु बार बार कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। वर्मा ने कहा कि तहसीलदार स्तर पर जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को स्टॉक के सहयोग से निश्चित समय में जारी करना सुनिश्चित किया जाएगा। मैं अभिषेक वर्मा हूँ, मैंने तहसीलदार नूरपुर ज्वाइन किया है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही है, आईएएस अधिकारी हूँ। नूरपुर में मैं सीखने आया हूँ। पहले तो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू के बारे में थोड़ा आइडिया लगे कि कोर्ट कैसे चलाई जाती है, पब्लिक डीलिंग कैसे की जाती है, अटेस्टेशन, एफिडेविट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रियाँ कैसे की जाती है। मेरा यही एम रहेगा कि लोगों को बेहतर सर्विस डिलीवरी दी जाए, जो कि बेहतर का मतलब है कि टाइम पे दी जाए, तो एफिशिएंटली दी जाए, कम से कम समस्याओं का उनको सामना करना पड़े, अपनी सर्विसेज जो उनका हक है बेसिकली, वो उनको बिना किसी मुसीबत के, बिना कम से कम मुश्किल और कम से कम टाइम में उनको प्रदान की जाए, यही मेरा एम रहेगा, और एफिशिएंटली दी जाए। इसके अलावा जितना मैं सीख सकूं, जितने लोगों का इश्यूज को हल कर सकूं और जितने लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बारीकियों को जान सकूं, उतना मेरा यही एफर्ट रहेगा, यही मेरा ओपिनियन रहेगा कि जितना कुछ इस नूरपुर, यहाँ नूरपुर से यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ से सीख सकूं, उतना मैं सीख के जाऊं। सर, अपने पेरेंट्स से मिली थी, पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि जिस भी पद पे जाए, जहां भी जाए, उसमें सबसे अच्छा करे अपने जीवन में, तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर चूज किया, तो इसमें सबसे अच्छे करने का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, और जो जहां आप इतने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर करते हो और इतने ज्यादा लोगों के जीवन में आप डिफरेंस ला सकते हो, उनकी उनसे बातचीत करके, उनकी मुसीबतों का हल करके, उनपे उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकते हो, वो आईएएस है। तो माँ बाप ने प्रेरणा हमेशा दी कि बेहतर करें जीवन में, सबसे अच्छा करें, और गवर्नमेंट सेक्टर में ये एक ऐसी पद है जहाँ आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।